हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लाइनेक्स किंग्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम टैलेंट को कैसे कॉन्फिग कर सकते हैं, और क्या है ना कि रूट यूजर जो होता है ना, उसको बाय डिफॉल्ट हम टैलेंट पे लॉगिन नहीं कर सकते। तो लेकिन आज मैं उसके बारे में बताऊंगा कि हम कैसे रूट यूजर को टैलेंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। जो मैंने पहले वाली वीडियो बनाई थी कि हम यम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पहले वो देख लेना। अगर आपने यम इंस्टॉल नहीं कर रखा है, कॉन्फ़िग नहीं कर रखा है अपने रेड हैट में, तो टेलनेट कॉन्फ़िग नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि यम बहुत इंपॉर्टेंट है रेड हैट में। उसके बिना आप मतलब आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। थोड़ा एडवांस लेवल की बात करें तो सबसे पहले मैं डालता हूँ यम इंस्टॉल टेलनेट, और यहाँ पे स्टार डाल दूंगा क्योंकि हमें सारे पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार डाल दूंगा और यहाँ पे हाइफन वाई, तो ये टेलनेट के जितने ही पैकेज हैं ये सब कुछ इंस्टॉल कर लेगा। तो हमारे में टेलनेट डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। तो अब उसके बाद आते हैं कि हमें इसकी एक मतलब इंस्टॉल करने टेलनेट को सब कुछ नहीं होता, उसके बाद में इसकी फाइल जो होती है उसको भी कॉन्फ़िग करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि जितनी भी लाइनेक्स की कॉन्फ़िग फाइल होती है ना, वो etc फोल्डर के अंदर ही होती है। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ vim स्लैश etc स्लैश etcd डॉट डी स्लैश टेलनेट और एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, हमें बस नॉर्मली एक छोटा सा चेंज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल है कि हमारा टेलनेट डिसेबल है, उसके आगे लिख रहा है यस, तो मतलब कि हमारा टेलनेट डिसेबल है। तो हमें यहाँ पे डिसेबल के आगे कर देना नो, तो क्या हो जाएगा, हमारा टेलनेट इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ डब्ल्यू क्यू प्रेस करके और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो हमारा टेलनेट इनेबल हो गया है, ठीक है। तो जैसे कि अब हमने हमारा टेलनेट को इनेबल कर लिया है, तो जो उसकी सर्विस होती है ना, उसको हमें रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा टेलनेट वर्क करेगा, वरना हमारा टेलनेट वर्क नहीं करेगा। तो मैं इसकी सर्विस को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है सर्विस ZynTD रीस्टार्ट। तो हमारी सर्विस रीस्टार्ट हो गई है। ये इसका टेम्परेरी मेथड था, क्योंकि अगर अपन रिबूट करेंगे ना, तो फिर से हमें इनकी सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे सर्विस ZynTD, यहाँ पे हम है ना रीस्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेटस वगैरह, ये बहुत सी कमांड है जो कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसका स्टेटस दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं ZynTD इज रनिंग, ओके। तो हम इस तरह से जो भी कमांड है इनको यूज में ले सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी मेथड था। अगर हम इसको रिबूट करेंगे ना, या फिर हम इसको बंद करके थोड़ी देर बाद फिर से चालू करेंगे रेड हैट को, तो ये हमारा कॉन्फ़िग हमें नहीं मिलेगा रेड हैट, हमें फिर से इसकी सर्विस वगैरह को रिस्टार्ट चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक मेरे पास मेथड है जो इसका परमानेंट मेथड है। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है chk कॉन्फ़िग ZynTD। ऑन और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुली हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम है ना बाय डिफॉल्ट रूट यूजर को लॉगिन नहीं कर सकते हैं टेलनेट पे, तो उसके लिए हमें एक कमांड है जिससे कि हम रूट यूजर को भी लॉगिन कर पाएंगे, इसलिए हमें उस कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कमांड डाल देता हूँ, सिंपल सी है, vim स्लैश etc स्लैश सिक्योर TTY। जितनी भी पोर्ट्स होते हैं ना, सबकी यहाँ पे ही होती है एंट्री, सबकी यहाँ पे होती है। जैसे कि ये वर्चुअल पोर्ट्स, टर्मिनल पोर्ट्स जो भी है ना, सब यहाँ पे मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे आई प्रेस करते हैं एडिट के लिए, और मैं यहाँ पे एक पोर्ट की एंट्री कर दूंगा। ये हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं सारे पोर्ट, और जो भी यहाँ पे अपन ऐड करेंगे ना, सभी पोर्ट की एंट्री यहाँ पे होती है। तो मैं यहाँ पे एक पोर्ट डालता हूँ PTS स्लैश 0 PTS स्लैश 1। तो मैंने यहाँ पे दो पोर्ट ऐड कर लिया है और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके। तो हमारे ये काम हो गया है, और फायरवॉल मैं ऑफ कर देता हूँ मेरे।
लाइनेक्स का, बहुत बार लाइनेक्स का फायरवॉल दिक्कत करता है, उससे हमारा जो भी क्लाइंट होता है वो लॉगिन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने को फायरवॉल को ऑफ करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे फायरवॉल ऑफ कर देता हूँ, ये टेम्परेरी मेथड है फायरवॉल ऑफ करने का। तो आज मैं आपको टेम्परेरी मेथड ही बता रहा हूँ, आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा उस पर, या फिर शायद मैंने बना भी दी हो, मेरे को अभी याद नहीं है, मैं देख लूँगा, अगर वीडियो नहीं बनाई होगी तो मैं उस पर बना दूंगा। तो उसके लिए है फायरवॉल ऑफ करने के लिए IP टेबल्स हाइफन कैपिटल F, और इससे हमारा फायरवॉल ऑफ हो जाता है। ओके, तो अब चलते हैं हमारी विंडो मशीन पे। तो मैं यहाँ से विंडो मशीन पे पहले मैं इसकी IP देख लेता हूँ, इफ कॉन्फिग से हम हमारी IP चेक कर सकते हैं, इसकी 1.5 है। ओके, विंडो में हमें टेलनेट ऑन नहीं मिलता है, तो उसको ऑन करना पड़ता है उस फीचर को। तो यहाँ से मैं कंट्रोल पैनल में जाऊँगा, आप देख लें कैसे ऑन करते हैं, और फिर यहाँ से कंट्रोल पैनल में आने के बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मिल जाएगा अपने को टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आप देख सकते हैं अपने को यहाँ पे आने के बाद में एक टेलनेट क्लाइंट मिलेगा, मैंने पहले से ऑन कर रखा है, लेकिन आप इसको ऑन कर लें, यहाँ पे टिक करके ओके कर दें और इसको बंद कर दें। विंडो और आर की प्रेस कर मैं यहाँ से मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। तो अब हम यहाँ पे कमांड डालेंगे टेलनेट, और जो मेरे उसकी IP थी ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे इसके IP क्या थी, 192.168.1.5। तो वो IP मैं यहाँ पे डाल दूँगा, 192.168.1.5, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रूट, और रूट के पासवर्ड डाल दूंगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन कर गए हैं। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, इफ कॉन्फिग, ये मैं विंडो में कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी IP आ रही है जो मेरे रेड हैट की थी, ठीक है। और मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, मैं लाइनेक्स में जाके भी दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा हु, मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ हु स्पेस हाइफन ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन लॉग इन है, PTS2 जो मैंने पोर्ट बनाया था, इसलिए मैंने बनाया था ये पोर्ट ताकि हम एक कस्टम पोर्ट पे अपने रूट यूजर को लॉग इन करा सके। तो आपने देख लिया PTS पोर्ट कहाँ पे काम आया अपने, यहाँ पे, इसलिए मैंने वो पोर्ट क्रिएट किया था ताकि आपको डाउट ना रहे, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी IP और मेरे उसकी, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ विंडोज की IP क्या है। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना, ये मेरे विंडोज की IP है, और इसकी IP क्या है मेरे रेड हैट की, 1.5, और ये 1.7 मेरे विंडो की IP है। तो मुझे जो मतलब मेरा विंडो क्लाइंट है, क्लाइंट की ID तो यहाँ पे शो कर रहा है, सॉरी क्लाइंट की IP तो यहाँ पे शो कर रहा है, और मेरे जो सर्वर है, सर्वर की IP मेरे विंडो पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करता है। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे नहीं पता कि उसने लॉगिन कैसे कर लिया मेरे में, और मुझे विंडो जो क्लाइंट है उसको किकआउट करना है, तो कैसे करेंगे हम, सिंपली उसको किकआउट कर सकते हैं, किकआउट हम अपने रेड हैट से कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से किल लिखता हूँ, और ये जो ID रहती है ना इसकी, हम यहाँ पे वो डाल देंगे, जैसे कि अभी तक हमारा सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट है, मैं पहले आपको विंडो में दिखा देता हूँ, अभी तक हमारे कनेक्ट है, मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ LS, तो हमें सब कुछ शो कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको किक आउट करूंगा ना, वहाँ पे अपने आप ही बंद हो जाएगा विंडो पे, आप देखना 3868। ओके, प्रेस करता हूँ और मैं अब आपको विंडो पे दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कनेक्शन टू होस्ट लॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वर्क करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।